के साथ। सिगरा स्टेडियम में सोमवार से चल रही T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता के दूसरे मैच में ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने बैटिंग में हाथ दिखाए। खिलाड़ी एक हाथ से चौके छक्के लगाते नजर आए तो दूसरी ओर वेस्ट जोन के खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण में दमखम दिखाते नजर आए। कोई एक हाथ से तो कोई एक पैर से दिव्यांग है, हालांकि सामान्य लोगों से इतर क्रिकेट में बेहतर हाथ दिखाया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 6 टीमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सुसज्जित हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 3 मैच खेले गए। पहला मैच साउथ जोन व नॉर्थ जोन के बीच हुआ। इस रोमांचकारी मैच में नॉर्थ जोन 1 रन से विजयी रहा। दूसरा मैच ईस्ट जोन व वेस्ट जोन के बीच हुआ, जिसमें ईस्ट जोन 50 रन से विजयी रहा। प्रतियोगिता का तीसरा मैच वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन के बीच हुआ, जिसमें नॉर्थ जोन 36 रन से विजयी हुआ। प्रतियोगिता का समापन 7 अक्टूबर को है, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। एक दिन में 3 मैच हो रहे हैं। पहले मैच में नॉर्थ जोन ने आखिरी बॉल में विजय प्राप्त करी है 97 को। ये उत्तर प्रदेश सरकार ऑर्गेनाइज करवा रही है ये टीम, ये टूर्नामेंट, और इसमें 5 जोन ने सहभाग लिया है। इसमें साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन, ये 5 जोन है और लगभग 80 खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर। सच के साथ।